नमस्कार। ज्ञान धन और धर्म कारक बृहस्पति जो है वो 6 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। वो अपने नीच राशि मकर को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले, क्या बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा। साथ में आपको यह भी बता दूंगा कि राशि के परिवर्तन में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय भी कर लेने चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब बृहस्पति मकर राशि में थे तो नीच अवस्था में थे, जब ये कुंभ राशि में जा रहे हैं तो स्वतंत्र हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है जब बृहस्पति किसी ग्रह के साथ बैठता है तो पूर्ण फलदायी नहीं होता है, लेकिन जब वो अकेला बैठता है कहीं पे भी तो पूर्ण फलदायी होता है। जब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति जो है 6 अप्रैल से लेकर के 22 मई के मध्य में धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं, यानी मेष लग्न और मेष राशि वाले, इस समय बृहस्पति का बल आपको ज्यादा प्रभाव मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात फिर क्या है कि ये जो है फिर आपको 22 मई से लेकर के जो है 20 जुलाई तक ये रहेंगे सतभिषा नक्षत्र में, जिसके नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं ये राहु होते हैं। यानी आपको 20 जुलाई तक थोड़े से सावधान रहने पड़ेंगे, मन में शांति बना के रखनी पड़ेगी। 20 जुलाई से फिर ये 14 सितंबर तक पुनः धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। मतलब 22 मई से लेकर के आपको 20 जुलाई के मध्य में थोड़ी सी अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। सर्वप्रथम इसके मध्य में एक जानकारी आपको यह भी दे दूं कि बृहस्पति का यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है मेष लग्न और मेष राशि वाले, बृहस्पति अतिचारी रूप में है। मतलब अतिचारी का अर्थ होता है कि कोई ग्रह कभी कभी अपने तीव्र गति से चलता है और तीव्र गति में चलने के कारण वो अपनी राशि को जल्दी परिवर्तित कर देता है, और बृहस्पति अकेले भी है तो शुभ ग्रह जब अतिचारी होगा तो इसके फल में वृद्धि होता है। यानी निश्चित तौर पर बृहस्पति आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन 20 जून से बृहस्पति वक्र अवस्था में भी आ जाएंगे। मतलब 20 जून से जो है आपको इनकम हाउस के से रिलेटेड और कर्म क्षेत्र दोनों से रिलेटेड फल भी मिलने चालू हो जाएंगे। सर्वप्रथम आपको यह भी समझने की आवश्यकता पड़ेगी मेष लग्न और मेष राशि वाले कि जो भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जुडिशियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, रिसर्चर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, केमिस्ट, डॉक्टरी या पशुपालन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन अत्यधिक लाभ और उन्नति कारक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है डायरेक्ट इसके कारक होते हैं। इसके अलावा जिनकी स्त्रियों के विवाह में परेशानियां हो रही थी उसको भी यह निश्चित तौर पर सॉल्व करेगा, और जिसके दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थितियां चल रही थी उसको भी निश्चित तौर पे यह ठीक आवश्यक तौर पे करेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो आपके ऊपर इसका संपूर्ण तौर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति आपकी कुंडली के आय स्थान में कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। आय स्थान संपूर्ण सुखों को भोग करने का स्थान होता है, यानी जब बृहस्पति आय स्थान में आएगा तो आपका भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, क्योंकि ये भाग्य स्थान के भी अधिपति हैं और द्वादश स्थान के भी अधिपति हैं। बड़े भाई बहनों के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, कोई घर वगैरह आपके रेंट पे नहीं लग रहा था वह लगना प्रारंभ हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों से विवाद की स्थितियों में कमियां देखने को मिलेंगे, रिश्तेदार भी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी विदेश यात्राओं से रिलेटेड परेशान थे, महत्वपूर्ण तथ्य पे काम कर रहे थे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, साथ में प्रयास करने के बाद भी एक्सपोर्ट इनपुट का व्यापार में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था, तो यह मेष लग्न और मेष राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए उन्नति कारक और लाभकारी निश्चित तौर पर रहेगा। आय स्थान में जब कोई ग्रह बैठता है तो मनुष्य के भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाता है, यानी जो भी आप प्राप्त करना चाहेंगे, यानी आप वाहन, संपत्ति, कुछ भी प्राप्त करना चाहेंगे उसके लिए बृहस्पति निश्चित तौर पर सहायक होगा। द्वादश स्थान के अधिपति हैं तो यह कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, विदेशों से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम है, वीजा या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कोई समस्याएं चल रही हैं, या गलती से कानूनी पछड़े में पड़ गया, या कोई आपको फंसा दिया गया है, या फिर आपने क्राइम किया है फिर भी आप फंसे हुए हैं, तो यह राशि परिवर्तन आपके इस महत्वपूर्ण परेशानियों से आपको निकालेगा।
भाग्य स्थान के अधिपति हैं, क्योंकि बृहस्पति स्पिरिचुअल के भी कारक हैं, और इसके अलावा जो है भाग्य भाग्य के भी कारक होते हैं ये, तो आपको भाग्योन्नति करवाएगा। पिता और माता से और बॉस से तालमेल में जो खराबियां चल रही थी इसमें सुधार लाने का प्रयास करेगा। बृहस्पति का सातवां दृष्टि पांचवें घर में पड़ने के कारण आपको अब 6 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य में लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेंगे। जब 20 जून के बाद यह वक्री होगा तो अचानक संपत्ति से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसमें भी उन्नति के रास्ते खुलने को दिखेंगे। संतान की तरक्की को लेकर क्या परेशान थे, चिंतित थे, वह समस्याएं निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगी। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, नौकरी में टर्मिनेशन हो चुका था या अच्छे ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहे थे, इस प्रकार के समस्याओं को मेष लग्न और मेष राशि वाले यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण बात इस चीजों को भी ध्यान देनी चाहिए कि बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि है, क्योंकि बृहस्पति की तीन दृष्टि होती है, वो जहां बैठते अपने स्थान से पांचवें सातवें और नौवें स्थान को देखते हैं, ऐसा ही राहु भी देखता है। तो बृहस्पति नौवीं दृष्टि से सातवें घर को देख रहे हैं जहां पे ऑलरेडी शुक्र की राशि यानी तुला विराजमान है। तो आपको जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा था उसके विवाह में ये सपोर्ट करेगा, जिन स्त्रियों के ही अलावा नहीं पुरुषों के विवाह में भी ये सपोर्ट करेगा, आपसी कलह को दूर करेगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में तरक्की के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है एक एक्स्ट्रा पदभार भी नौकरी में मिलेंगे। आप चाहते थे कि नौकरी को परिवर्तित करें, आप चाहते थे कि अच्छी नौकरी को मैं प्राप्त करूं, तो इसमें यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, लाभकारी रहेगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। अब महत्वपूर्ण बात को भी आपको एक समझनी चाहिए, जब भी बृहस्पति कुंभ राशि में बैठता है तो व्यक्ति विवाद में फंसने का चांसेस बनता है, तो आपको किसी भी हाल में विवादास्पद बात लोगों के मध्य में नहीं करना है, क्योंकि कुंभ राशि में बृहस्पति जो होता है थोड़ा सा तनाव और अस्थिरता देता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि है और शनि न्यायाधीश है और बृहस्पति ज्ञान के कारक है। शनि कभी भी बृहस्पति को अपने अंदर में नहीं रख सकता है, इसलिए मन में कुछ विवादास्पद स्थितियां उत्पन्न होंगी तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। प्रवासी बनाएगा, आज के लोगों का ट्रेंड है विदेश जाने का, तो हो सकता है आपके लिए लाभकारी हो। यह परिवार से थोड़े से तालमेल में कमी कर सकता है और थोड़ी सी अस्थिरताएं दे सकता है, तो किसी भी सिचुएशन में आपको इस प्रकार की समस्याओं में नहीं फंसना है, नहीं तो बृहस्पति थोड़ा सा डैमेज कर सकता है। उपाय की चर्चा अगर करना चाहें तो देखिए, उपाय के तौर पे हर गुरुवार के दिन 14 सितंबर तक आप विष्णु जी को किशमिश या केले का भोग लगाइए। प्रत्येक दिन अगर आप केसर का तिलक लगा सकते हैं तो अत्यधिक उत्तम है, और नहीं तो प्रत्येक दिन कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 मंत्र का जाप करके निकलिए मेष लग्न और मेष राशि वाले। यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। मेष लग्न और मेष राशि वाले, बृहस्पति का राशि परिवर्तन का संपूर्ण व्याख्या मैंने किया है, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।